तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लगना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर ही लगना चाहिए। वही एक ग्राउंड भी है और कानूनी रूप से, जो संवैधानिक रूप से ये प्रावधान है, तो ये होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर पश्चिम बंगाल में जो जो जिस वीडियो क्लिप की आप बात कर रही है, वो मैंने भी देखा है। वो देखकर जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ऑडासिटी है, जिस तरह से वो इंसान एक महिला को मार रहा है, पीट रहा है, बेइज्जत कर रहा है, उस तरह से ये दिखाई देता है कि उसको कानून का कहीं कोई उसको परवाह नहीं है, डर नहीं है, और ये दिखाई दे रहा है। आप गौर करेंगे तो तालिबानी काल में जो ये चीज़ें होती थी, जो हमने वीडियोस देखे हैं, तालिबान लोग कैसे महिलाओं को मारते थे, किसी का बुर्का अगर नहीं है या किसी का बुर्का में कोई गड़बड़ी हो गई, तो जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज होती थी, जिस तरह से वो बर्ताव महिलाओं के साथ करते थे, तो बंगाल में वो चीज़ दिखाई दे रही है। इसका मतलब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी बिल्कुल फेल है, कोई कानून से नहीं डरता, और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना भी चाहिए। जो ये संदेश खाली में हुआ वो तो एक एक्सट्रीम केस है वहाँ। सर लोकतंत्र बचाने की बात करने वाली ममता बनर्जी के राज्य में ही लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। पहले संदेश खाली का मामला सामने आया और अब फिर एक बार जो है वो पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ जिस तरीके से बर्बरता टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है, इस पर वो विपक्षी पार्टियां क्यों सामने नहीं आ रही हैं, जो लोकसभा चुनाव तक ये ढिंडोरा पीट रही थी कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, और आज आखिरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर जो लगातार मांग की जा रही है, उस पर ममता बनर्जी चुप क्यों? देखिए, ये तो लगना ही चाहिए, राष्ट्रपति शासन की तैयारी होनी चाहिए, लगना भी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो जो जिस वीडियो क्लिप की आप बात कर रही है, वो मैंने भी देखा है। वो देखकर जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ऑडासिटी है, जिस तरह से वो इंसान एक महिला को मार रहा है, पीट रहा है, बेइज्जत कर रहा है, उस तरह से ये दिखाई देता है कि उसको कानून का कहीं कोई उसको परवाह नहीं है, डर नहीं है, और ये दिखाई दे रहा है। आप गौर करेंगे तो तालिबानी काल में जो ये चीज़ें होती थी, जो हमने वीडियोस देखे हैं, तालिबान लोग कैसे महिलाओं को मारते थे, किसी का बुर्का अगर नहीं है या किसी का बुर्का में कोई गड़बड़ी हो गई, तो जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज होती थी, जिस तरह से वो बर्ताव महिलाओं के साथ करते थे, तो बंगाल में वो चीज़ दिखाई दे रही है। इसका मतलब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी बिल्कुल फेल है, कोई कानून से नहीं डरता, और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना भी चाहिए। जो ये संदेश खाली में हुआ, वो तो एक एक्सट्रीम केस है वहाँ, तो उन सज्जन जो भी नेता हैं टीएमसी के, उन सज्जन के खिलाफ तो उनके खिलाफ तो मुकदमा बनना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे देश का कानून ऐसा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट के पास होता है, तो उसका ये फ़ायदा उठा रही है मुख्यमंत्री साहिबा, और ये कोरी बकवास करके केंद्र सरकार को इधर उधर करके, और जो हमारे देश की जो जो विभाजक शक्तियां हैं उनको हवा देकर ये वोट बटोरती हैं, और वोट बटोरने के बाद ये लोगों को उस तरह से मिसगाइड करती हैं। और बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत ही दुखदायक है, और कहीं ना कहीं हमारे संविधान को शर्मसार भी कर रहा है। वही विपक्ष जो कहता था कि संविधान रहेगा नहीं, है नहीं, या फासिज्म आ रहा है, या लोगों को केंद्र सरकार अलग ढंग से डील कर रही है, तो वो उनको शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है, उन लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा है, तो उनको आगे आकर बोलना चाहिए, नहीं तो जनता को उनको शर्मसार करना चाहिए कि आप कैसे लोग हैं जो डबल स्टैंडर्ड पे ऐसी बातें पहले करते थे। पहले तो संविधान लेकर घूमते थे कि ये बदल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब कहाँ गया, आप क्यों नहीं बोल रहे? आप अगर आप इतने ही बड़े शुभचिंतक थे हमारे प्रजातंत्र के, हमारे संविधान के, तो अब आपको बोलना चाहिए। ये एक बहुत ही कॉन्शस स्टेज है सिविलाइजेशन का, जिसमें कि सब कुछ दिखाई देता है, सोशल मीडिया के कारण सबको सब कुछ दिख जाता है, आप हर फोन में ये क्लिप आ जाती है, हर जगह चला जाता है, और आप किसी से भी बात करके देखें वो सीधा सीधा इसको कहेगा कि ये गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको जस्टिफाई कानून द्वारा किया जा रहा है, और जो केंद्र जो वहाँ राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है, एक्शन भी कॉस्मेटिक एक्शन ले रही है, कहीं कुछ कर नहीं रही है। तो ये तो हमारे जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं ये छेद लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लगना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर ही लगना चाहिए। वही एक ग्राउंड भी है,
और कानूनी रूप से जो संवैधानिक रूप से ये प्रावधान है तो ये होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालात हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ममता बनर्जी और राष्ट्रपति शासन की लगातार मांग जो है वो कई महीनों से पश्चिम बंगाल को लेकर उठी। हाँ, ये होना चाहिए, मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि जो बंगाल में जो राज्य सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, जो राज्य सरकार को कंट्रोल करती है, वो रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से वैमनस्य फैला रही है, लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को फंसा रही है, डरा रही है, और जो लोग गैर कानूनी हरकतें करते हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, वो कुछ नहीं कर रही है। जैसे कि हम वीडियो क्लिप में देखते हैं या कहीं भी न्यूज़ आती है तो देखते हैं कि एक मॉब मिलकर किसी को भी मार रही है, पीट रही है, आग लगा रही है और उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दे रही है, फिर भी पुलिस वहाँ खड़ी है, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो ये बड़ी शर्मनाक पोजीशन है। अगर आप इस तरह से संविधान की सुरक्षा नहीं करेंगे तो लोग चुनाव में भाग कैसे लेंगे, चुनाव के बाद विरोध कैसे प्रकट करेंगे, और इससे संबंधित सारी चीज़ों, डर के वातावरण में अगर लोग रहेंगे तो इससे संबंधित जो सारी चीज़ें हैं, प्रजातांत्रिक चीज़ें, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये एक पुलिस स्टेट बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक संवैधानिक संकट वहाँ पर है और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए, ताकि जो वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाकर सस्पेंड करके कि आप अपनी ड्यूटी कर नहीं पाए या आप गलत ढंग से अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है जिसके कारण कि आपको सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंडेड एनिमेशन में रखने का प्रावधान है, और जब ये ठीक हो जाएगा तो हम विड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसा होना चाहिए, तभी जाकर सबक मिलेगा, नहीं तो ये बहुत ही गलत है। हमारा जो सेटअप है स्टेट्स का, जो क्वेशी फेडरल सेटअप हमारा है, वहाँ के लिए बहुत ही गलत है और ये आगे बहुत ही गलत सिग्नल दे रहा है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, जब पिछले साल देश की केंद्र सरकार महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर बिल लेकर आई तो उस पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम भी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बिल तो हमारी पार्टी पहले ही लाना चाहती थी, हमने तो उस पर पहले ही चर्चा की। पर आज जब महिलाओं की हालात पश्चिम बंगाल में ख़राब हैं तो ना राज्यसभा पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की जा रही है, ना ही तो लोकसभा में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की जा रही है, और एक तरफ जो गठबंधन एक मजबूती दिखाता है, क्या ये गठबंधन की तमाम पार्टियाँ ममता बनर्जी को लेकर इसीलिए सवाल नहीं उठा रही क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन ना टूट जाए? हाँ, बिल्कुल सही बात है, और अनरीजनेबल गठबंधन है ये, जो गठबंधन है ये कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कई लोगों के अपने जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं उनका गठबंधन है, और वो लोग सब इकट्ठे होकर और इस तरह से मजमा लगा कर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको दिखाई दे गया कि उनके मजमे लगाने से भी भारत की जनता के ऊपर कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अब वो अपनी जो महत्वाकांक्षा, अपने विचारधारा है वो थोप रहे हैं लोगों पर, बाकी लोगों पर। तो वो उनको सोचना चाहिए कि क्या इसी पार्टी के साथ हम जाने के लिए बने हैं, हमारी अपनी विचारधारा कहाँ है। इस गठबंधन में बहुत तरह के लोग हैं, आप देखें तो बहुत विरोधाभासी भी लोग हैं, तो गठबंधन को बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए कि क्या हम गलत गठबंधन में तो नहीं हैं, या हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, और हम देश की जनता को कहीं ठग तो नहीं रहे, हमें विपक्ष के लिए वोट दिया गया है तो हम विपक्ष की भूमिका निभाएं, उस विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय गठबंधन के सारे लोग मदारी की तरह ड्रामा कर रहे हैं, और जो भी गलत हो रहा है उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये जनता को भी पता है, अगले इलेक्शन तक या अगली बार जब भी चुनाव जहां कहीं भी होंगे तो इनको सीधा जवाब जनता दे भी देगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।